करना चाहता हूं। अभी अभी एशियाई खेल 2022 समाप्त हुए और हम सब के लिए आनंद का विषय है और हरियाणा के लिए और आनंद का विषय है कि एशियाई खेलों में 100 से ज्यादा पदक जीतने का सबसे पहली बार आजादी के बाद भारत को सम्मान मिला है। हर खेलों में, चाहे टोक्यो ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, डैम्प ओलंपिक हो, थॉमस कप हो, कॉमनवेल्थ हो और विश्व चैंपियनशिप की प्रतियोगिताएं, हर जगह पर 2014 के बाद उत्तरोत्तर भारत ने प्रगति करी। इसका मुख्य कारण है मोदी जी ने खेलों के लिए सिर्फ भाषण नहीं किए, गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं की खोज करना, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, उनके वित्त पोषण और शरीर के पोषण की चिंता करना, प्रतिभाओं के बीच में से पारदर्शी तरीके से खिलाड़ियों का चयन करना और उसके बाद वो खिलाड़ी विश्व के रिकॉर्ड के बराबर हो तब तक उसके खेलों में उन्नयन के लिए सतत प्रयासरत रहना, अनेक विध योजनाएं और अनेक विध कार्यक्रमों के माध्यम से, खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं गेम चेंजर साबित हुए हैं। खेलों के क्षेत्र में भारत जब देश आजादी की शताब्दी मनाता होगा तब हर क्षेत्र की तरह खेलों में भी भारत विश्व में सर्वप्रथम हो, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की रचना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की।